लगता है वो हमें ही ढूंढ रही है। लेकर आओ उसे। पता चल गया, पता चल गया, मुझे सब पता हा? चल गया। क्या पता चल गया? तुम मेरी सेल्फी ले रही थी ना, मेरी एक सेल्फी लो ना। सेल्फी वेल्फी लेने के लिए टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। मुझे इतनी देर से छोड़कर कहाँ गए हुए थे? तो आप ही इस ढाबे का ओनर हैं क्या? हाँ सर। आज सुबह एमएलए का बेटा संजय और उसके फ्रेंड्स आपके ढाबे में आए थे क्या? हाँ सर। उस समय में शक के दायरे में कोई व्यक्ति लोग घूम रहे थे क्या? होटल बोले तो यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, उसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? एमएलए के बेटे संजय को उस वक्त में किसने सर्व किया? उसका नाम विरासम था सर। अरे सतीश सर, उठा के लेकर आओ उस विरासम को। ओके सर। आप इधर ही बाहर वेट करो। ओके सर, मैं वेट करता हूँ। मुझे अगर सेफली ले आकर छोड़ दिया इतना ही काफी है जंगली जी। जिंदगी बहुत से पाठ सिखाती है, जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसी तरह रोज रोज काल चक्र का पहिया घूमता रहता है। इस पहिये के साथ तुम नहीं घूम जाना। दरअसल यही है सर। सुनो सर, आज सुबह जब एमएलए के बेटे और उसके फ्रेंड जब यहाँ आए थे तो तुमने ही खाना दिया था? हाँ सर। उसके अगल बगल में जो टेबल था वो खाली था क्या? कुछ लोग थे सर वहाँ पे। कोई और लोग उसके आसपास में बैठे नहीं थे क्या? एक व्यक्ति और था सर। ए, एमएलए का बेटा किडनैप हुआ है, ऐसा उसमें तुम्हारा हाथ है ये रिपोर्ट आया है। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। ए सतीश, ढाबा ओनर को बुला कर लाओ। ए मुनी राजू, कितने साल से ये तुम्हारे ढाबे में काम करता है? एक साल हो गए काम करते हुए। देखो ये भी एमएलए के बेटे के किडनैप में शामिल है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं मालिक आप तो बोलिए, आप तो जानते हो ना मेरे बारे में कम से कम आप। अरे बको मत रास्कल। बताता हूँ सर। ए, इधर आओ। बोलिए भैया। उसके फोन को चुरा के दोगे क्या? सर मुझसे ये नहीं होगा। अरे आओ इधर, पैसे देता हूँ, रख लो। उसको ले जाकर दिया सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और कोई गलती नहीं। देखो मुनिराज, एक साल में तुम्हारे ढाबे से क्या क्या चुराया होगा? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, निकल भाग यहाँ से। अरे मुनिराज जी, फिर से बुलाने पर आपको आना पड़ेगा, इसे निकाल दो। ओके सर, मैं आऊंगा। हेलो। हेलो रवि सर, स्टेशन से मंजूनाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, पहचान लिया। वो जंगली इंद्रजीत को शूट करके मार दिया सर। व्हाट? हाँ सर। छे, अरे कैसा अनर्थ हो गया है। सर एनी प्रॉब्लम? विश्वा, इस जंगली ऑपरेशन को शुरू करते ही चार लोगों को उनके पीछे मैंने लगा दिया था, सावधानी से जासूसी करने के लिए। इसमें इंद्रजीत को जंगली ने शूट करके मार दिया है। सर ये एनकाउंटर कहाँ हुआ? सर पहाड़ के पास। सर लगता है जंगली मनोहर पहाड़ को पार कर दिया है। आगे रहने वाला चंद्रू, उसे फोन कर सर बोलिए जंगली पर अटैक करने के लिए। सर अटैक करने से बेहतर है शूट कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो जंगली मुझे अभी जिंदा चाहिए।
चंद्रकांत। बोलिए सर, कहिए। मालूर में वो जंगली हमारे इंद्रजीत को मार दिया है। पता चला सर। वो उसी रास्ते में तुम्हारे गांव होकर ही जाएगा। वो तुम उस एमएलए को सेफ करो। वो एमएलए के कार में ही आ रहा है। एमएलए के कार का नंबर ले लो, K05950, सिल्वर कलर एक्सयूवी में आ रहा है। ओके सर। सारे चेक पोस्ट पर इंफॉर्मेशन दे दो, वो किसी भी हाल में बच नहीं पाए। ओके सर, हो जाएगा। ओके। देखो अब अपने हाथ को नहीं बांध सकते हम। वो हराम खोर जंगली इंद्रजीत को मार दिया। वो अब अपने आप जाल में फंस गया है। किसी भी वजह से उसे हमें नहीं छोड़ना है। हे, लगता है बारिश होने वाली है। दादी अकेले जा रही है। दादी कहाँ रहती हो आप? कुछ कदम आगे ही मेरा घर है, यही रहती हूँ बेटा। क्यों परेशान हो रही हो? चलो मैं अपनी गाड़ी से छोड़ दूँ। अरे नहीं छोड़ो, मैं चली जाऊंगी। दादी माँ, लगता है बारिश होने वाली है। चलो, क्यों परेशान हो रही हो? चलो ये पकड़, आइए बैठिए। दादी माँ आराम से आ जाइए। अच्छे से बैठो। बैठो। आइए दादी माँ, इधर ही बैठ जाइए। कंट्री, अबे ये बहुत सोशल सर्विस देके परेशान कर रहा है, बहुत हो गया इसका। जल्दबाजी मत करो बेटा, आगे किधर जाते हैं देखते हैं। अरे वहीं क्यों खड़े हो गए हो, अंदर आओ। दादी माँ, अभी हम चलें क्या? अरे ये क्या, ऐसी बात क्यों बोल दिया? मुझे वहाँ से अपने साथ लेकर आए, अब घर पर आओ, ऐसे नहीं जाने दूंगी। चलो अंदर चलो। हम सब बहुत दूर जा रहे हैं दादी, आप क्यों बेवजह परेशान हो रही है? कोई परेशानी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तुम बच्चे जैसे हो, आ जाओ खाना खा लो। घर में कोई नहीं है क्या? अरे कोई बेटा नहीं है मेरा, मैं बहुत गरीब हूँ। यहाँ एक एकड़ जमीन है, उसमें उगने वाली सब्जी बेचकर गुजारा कर रही हूँ बेटा। दादी माँ, आपके पति और बच्चे? पति तो सिर्फ नाम का था, पी पी कर स्वर्गवास हो गया और मुझे अकेला छोड़ गया। देवता जैसा बच्चा मेरा, भगवान ने वो भी आशीर्वाद नहीं दिया। दादी माँ, हम लोग आपके बच्चे जैसे, आप इतना समझ लीजिए। ए, पेन पेपर दे, देना। ये लो दादी माँ, ये मेरा नंबर है, आपको कभी भी तकलीफ हो इस नंबर पे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा मदद के लिए। या तो एक काम करो, आप मेरे घर चलो, मैं आपको रानी बना के रखूंगा। नहीं बेटा, मेरे पति का घर है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे दादी माँ को सेंटीमेंट ज्यादा है। ठीक है दादी माँ, हम निकलते हैं। अरे नहीं बेटा, अंधेरा होने जा रहा है, लड़की भी साथ में है, आज मेरे घर पर ठहर जाओ, कल सुबह सुबह निकल जाना। अरे नहीं दादी माँ। अरे नहीं नहीं, बहुत सुन लिया, यहीं रहना पड़ेगा। दादी माँ ऐसी बात नहीं है। अरे तू भी इसी तरह की बातें बोल रही है, देखो अंधेरा होने जा रहा है, बारिश भी होने वाली है, यहीं रुक जाओ बेटा। दादी माँ, हम होशियारी से जाएंगे। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, पेट भर के खाना खाना। ठीक है दादी माँ। अब यहीं रुकना है तो जाकर अपना मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा खाना बनाऊंगी। ठीक है दादी माँ। प्रवीति, एक काम करते हैं, आज रात यहीं रुकते हैं, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। आ जाओ बेटी, आ जाओ। ओह माय गॉड, जमाना तो आपसे तो छा गया भाई। चल चलते हैं। पुलिस का जो मार होता है उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों की नजर वाले तीर बर्दाश्त नहीं होते। पेट भर के खाना भी खा लिया, आंखें भर भर के लड़की भी देख लिया, इतना काफी है क्या? इसे सोचकर सो जाता हूँ, इसके बाद अच्छे सपने आएंगे मुझे।
पानी कहाँ है? हे भगवान, ये लड़की नाम का जो फल तूने बनाया है ना, इसे देख के बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है मुझे। मन करता है पत्थर उठाऊं और ऐसे मार के तोड़ दूं। इस लड़की को देख के ना, इसके प्यार में डूबने का मन कर रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है बार के सामने खड़ा हूँ लेकिन चाह के भी दारू नहीं पी पा रहा हूँ, और इस लड़की के पेट को देखकर इसे छूने का मन कर रहा है। क्या करूँ, छूकर देख लेता हूँ क्या, जो होता देखा जाएगा। यार पेट को तो तूने छू लिया, अगर ऐसे ही एक किस और ले लेना तू। सखने सखने निन्न बयके उक्को कडलो नडुव तोळु बळसुता बिसिय वेळिगे हरियलि अंग अंग सेळेयुता बिसियलि उक्को आसेय बिच्चु नडुगे अप्पुगेयन्नु उळिसुव श्वेत कोमल ದೇಹಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಓಡಿಸುವೆ ಅದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ನೀಡುವ ಸನಿಹ ಸೇರೆ ಹರ್ಷ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಆಡು ಸರಸ ರತಿಯ ನೋಡಿ ಮನ್ಮಥ ರಸದ ಹೋಣಿಯಾಡುವ ತರಹ ನಾನು ನಿನ್ನರೂ ತಣಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಗೆನೆ ತಾನೆ ಮೀಸಲು ಮೇಲಣೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಮೀಸಲು ಅದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ನೀಡುವ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಯಲೇ ನನ್ನ ನೀನು ನೆನೆಸುವ ಭುವಿ ಬಾನು ನಾಚಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಳಲಿ ನನ್ನ
एमएलए साहब, बहुत ज्यादा ही सुस्ती में लग रहे हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है जंगली जी, अभी भी जिंदगी में क्या क्या भुगतना पड़ेगा कौन जाने। अरे और भी 50 किलोमीटर है सेफली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा और लगेगा, उसके बाद मेरे लड़के आकर तुम्हें ले जाएंगे। ऐसा है तो फिर मेरे बेटे से कब मिलूंगा मैं? क्या बोल रहे हो, मेरी इतनी मदद करने के बाद एमएलए, क्या मैं तुम्हारे बेटे को तकलीफ दूंगा क्या? मुझे छोड़ने के आधे घंटे बाद अपने बेटे को ले जाना। सच में बहुत थैंक्स जंगली जी। चलो दादी माँ, अभी हम चलते हैं। हाँ ठीक है, संभल कर जाना, भगवान हमेशा तुम्हारी भलाई करे। दादी माँ, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा मदद के लिए, समझ गई ना? फोन करोगी ना? आगे जाके उस तरफ दुर्गा माता की मंदिर है, वहाँ पूजा करके प्रार्थना कर लेना। ठीक है। जो दिल से मांगोगे वो सब पूरा करेंगी देवी माँ, सारी मनोकामना पूरी होती है। ठीक है दादी माँ, हम चलते हैं। बाय दादी। हाँ बाय। बाय दादी। बाय। हेलो। हेलो सर, मैं चंद्रकांत। हाँ बोलिए चंद्रकांत। ओके, एनी हाउ थैंक यू सो मच, और कुछ चाहिए तो मैं फोन करके बोलता हूँ। थैंक यू सो मच।